दिल्ली पुलिस स्पेशल स्टाफ ने दिल्ली एनसीआर से चोरी और झपटे गए स्मार्टफोन को नेपाल भेजने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने दंपति सहित चार लोगों को गिरफ्तार कर 226 स्मार्टफोन बरामद कर लिए हैं। आरोपियों में अर्जुन, उसकी पत्नी रुखसार और हिमांशु और जगन्नाथ शामिल हैं। अर्जुन पर लूट, हत्या के प्रयास और डकैती के 2 दर्जन मामले दर्ज हैं। वह फोन खरीदकर जगन्नाथ के माध्यम से मधुबनी होते हुए नेपाल भेजता था। अब तक वह 2000 से अधिक फोन नेपाल भेज चुका है। 20 दिन लंबा ऑपरेशन जो चला था, इसमें कई जगहों पर रेड किया गया। स्टार्ट हुआ 19 मई को, तो हमें एक इन्फॉर्मेशन मिला था कि आदमी है जो इस तरह मोबाइल फ़ोन के खरीद फरोख्त के काम में इन्वॉल्व है, और मोबाइल फ़ोन जो है चोरी के होते हैं या स्नैचिंग के होते हैं। तो उसके फर्दर वर्क करते हुए उसको, उसके गाड़ी के साथ उसको इंटरसेप्ट किया गया, और इंटरसेप्ट करके उसके पास से रकम भी रिकवर हुआ और करीब 150 मोबाइल फ़ोन रिकवर हुए। गाड़ी में वो व्यक्ति अर्जुन और उसकी वाइफ रुखसार, वो दोनों लोग उस दिन अरेस्ट किए गए। अर्जुन जो है हमारे PS नबी करीम के एरिया का रहने वाला है, और उसकी वाइफ है रुखसार। ये उस दिन उनके पास थे 150 मोबाइल फ़ोन जो मिले थे, वो बेसिकली एक असाइनमेंट देने के लिए जा रहे थे अपने दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ, ताकि इस असाइनमेंट को नेपाल में दिया जा सके। उनसे जब डिटेल पूछताछ किया गया तो इस पूरे रैकेट का बारे में पता चला कि इस तरफ यहाँ पे एक रिसीवर की तरह काम कर रहे हैं, जो इस तरह के फ़ोन है उसने क्रिमिनल से खरीद के फर्दर उसको डबल या ट्रिपल प्राइस में जाकर नेपाल में भेज देते। तो 4-5 हज़ार रुपये में यहाँ पे अच्छे फ़ोन खरीद के उसको 10-15 हज़ार रुपये में नेपाल में भेजते थे। उस बीच में वो उसका जो अडेप्टर या चार्जिंग अडेप्टर, उस तरह की चीज़ भी उसमें मिलाकर उसका बबल रैप में पैकिंग करके, मतलब अच्छे से उस तरह की उसका पैकेजिंग करके फिर उसको नेपाल भेज देते। तो इसमें उनसे पूछताछ के बाद हिमांशु नाम का एक लड़का भी, जो इनका दोस्त है, मुल्तानी डंडा का रहने वाला है, वो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व है। और उस कि वो नेपाल में कंसाइनमेंट दे के वापस आ रहा है, तो उसको फिर हमने वो कौन से जिस ट्रेन में वापस आ रहा था पता करके रास्ते में ही हमारे स्टाफ उस ट्रेन को बोर्ड करके उसको आइडेंटिफाई कर लिए, और जैसे वो यहाँ पर पहुँचा हमने उसको पकड़ लिया और उससे भी कुछ हमने कर्जा और सर्विस किया। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।